कम बैक पता नहीं मैं करने जा रही हूँ या नहीं, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छा लग रहा है। कमिंग टू मुंबई आई हूँ सिर्फ छोटे से समय के लिए, एक दो शूट्स हैं और बाकी है जैसे आपके साथ इंटरेक्शन है, लेकिन ज़्यादा जो अच्छा लग रहा है ना वो ये अच्छा लग रहा है दैट ओ माई गॉड द लव कंटिन्यूस। इतने साल हो गए हैं जब हमारा ये रिश्ता का ट्रैक ख़त्म हुआ और आज तक अगर लोग इतने प्यार से गायत्री कह के वेलकम टू बॉम्बे, क्या चल रहा है, अब आप व्लॉग कर रहे हो, अगर वो इतना कुछ पूछते हैं तो आई एम सो ग्रेटफुल। इतना मन खुश होता है कि माय गॉड जो ये रिश्ता के फैंस भगवान ने बनाए ना, अलग ही मट्टी के बनाए कि उनको आज तक सब कुछ याद है। 2009 में जब स्टार्ट हुआ था ये रिश्ता कहलाता है और फिर स्टारकास्ट इतने फेमस हो जाएंगे कि आज भी उस सीजन के हर एक कास्ट को लोग जानते हैं, भी जानते हैं उसके उस रोल एक्टर कैरेक्टर के नाम से लोग जानते हैं। yes. 2013 में जब आपने शॉकिंग न्यूज दिया कि I done with this show and I go the my family. वे हाँ वो moment कैसा था, कुछ share करना चाहें उस time? Yes, क्योंकि मेरे लिए easy नहीं था ये रिश्ता छोड़ना। अब लेकिन वही वाली बात है ना, हम लोग प्लान कर सकते हैं, डिसाइड तो ऊपर वाला ही करता है। तो मैंने प्लान किया कि मैं भी यू नो होपफुली एक अच्छे से इंसान को ढूंढ के शादी कर लूँगी, गृहस्थी बसाऊँगी, लेकिन ऊपर वाले ने डिसाइड किया कि उस इंसान का घर अमेरिका होगा। तो हम मिले इंडिया में, हमारी डेटिंग इंडिया में चली, हम कुछ समय तक एक दूसरे को मिलते रहे, बहुत पैसे बर्बाद किए एयरलाइंस की टिकटें खरीद खरीद कर यहाँ वहाँ मिल के, लेकिन सचिन के लिए हमेशा ही अमेरिका घर था। तो फिर एक समय आया कि डिसाइड किया कि मैं ही शिफ्ट हो जाऊंगी, क्योंकि वो ऑप्शन नहीं थी कि सचिन यहाँ शिफ्ट कर सकें। अगर वो ऑप्शन होता है शायद वो शिफ्ट कर जाते। तो फिर अब अमेरिका मेरा घर है और वहाँ की दुनिया को कैसे कैसे रहना है, क्या करना है, अब मैं वो सीख रही हूँ। क्या बात है, अभी भी ये रिश्ता क्या कहलाता है, चल रहा है, टीआरपी आ रही है, आप अभी भी फॉलो करती हैं उस शो को? कहना पड़ेगा नहीं करती। एक जब शो छोड़ा था तो ऑफकोर्स फॉलो करती थी क्योंकि सब मेरे अपने थे शो पे, और फिर जब पहली लीप हुई तो भी फॉलो करती थी क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते थे वो, उनकी कहानी और कुछ अपने चेहरे जाने पहचाने दिख जाते थे, भाभी माँ थी तब तक, तो मज़ा आता था। लेकिन उसके बाद ना अब मुझे कोई कनेक्शन इमोशनल फील नहीं होता, अब नाम वही है, जब ट्यून सुनती हूँ बड़ी एक्साइटेड हो जाती हूँ, अरे ये रिश्ता, लेकिन उसके आगे अब कोई कनेक्शन नहीं है। जब आपने ये शो को एंड किया तो आप काफ़ी ज़्यादा अटैच हो गई थी यहाँ के शाकाज से, और देन या आपने जब इस शो को डन करने की कोशिश ऐड करने की कोशिश की देन सब लोगों ने सपोर्ट किया आपको, अभी भी सब कांटेक्ट में है फ्रेंड यस यस वो ये जो रिलेशनशिप्स बनती है ना ये सेट से लिमिटेड नहीं है। आप भी देख लो आपके करियर में, आप 40 लोगों के साथ काम करते हो लेकिन 2-3 लोग होंगे जो आपके फ्रेंड्स बन जाएंगे, जो इस आपकी शूटिंग से परे भी आपकी लाइफ का हिस्सा हो जाएंगे। तो वी आर वेरी लकी कि जो हमारी जो संघानिया फैमिली थी ना, आई डोंट नो क्या भगवान की ब्लेसिंग है कि फ्रॉम डे 1 वी क्लिक्ड वेरी टाइटली एंड वी आर स्टिल इन टच। आज भी हम सब लोग एक दूसरे से कांटेक्ट में हैं, किसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, मीडिया के सामने वो बात नहीं आती क्योंकि अब पर्सनल चीज़ हो गई है, अब हम सेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक दूसरे की ज़िंदगी शेयर कर रहे हैं, बट ऑल ऑफ द होल सिंघानिया फैमिली स्टिल अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, मैं एक एक इंसान से सबसे इन टच हूँ। क्या बात है सोनाली मैम, अब जब आपने इंडिया वापसी की है तो इसके पीछे का कारण क्या है, कुछ बताना चाहें आप? इंडिया मेरी वापसी तो हर साल हो जाती है क्योंकि इंडिया में दिल्ली में मेरे पेरेंट्स थे, अब पापा नहीं रहे लेकिन घर तो दिल्ली है, मेरा जो कहते हैं ना ससुराल वो भी दिल्ली है, बॉम्बे इतने साल काम किया तो बॉम्बे की रिलेशनशिप्स हैं, बॉम्बे में कुछ काम वाम रहता ही है, तो इंडिया तो मैं हर साल आती हूँ। लेकिन इस बार स्पेशल क्यों लग रहा है वो शायद इसलिए क्योंकि इस बार फैंस ने मुझे दोबारा से याद कर लिया है। मैं इतने साल खुद की गृहस्थी में, बच्चा छोटा था, उन चीज़ों में उलझी रही, मेरे पास समय नहीं था, लेकिन अभी 3-4 महीने पहले लगा कि बड़ा समय है तो चलो हम भी ट्राई करें, ये इंस्टाग्राम क्या चीज़ है, बड़ा समय है चलो हम भी ट्राई करें यूट्यूब पे ब्लॉगिंग क्या चीज़ है, तो मैंने सोनाली वर्मा हार्ट एंड सोल ब्लॉगिंग शुरू की, अभी ताज़ा ताज़ा इंस्टाग्राम पे आई हूँ रियल सोनाली वर्मा। तो जब
ये यहाँ आई ना तो एकदम से इतना ज़्यादा लोगों ने प्यार दिया, ऑल द फैंस स्टिल रिमेम्बर। मैं विश्वास नहीं कर पाती कि कमेंट्स में सब गायत्री मॉम ऐसा लिखते हैं, लाइक हाउ स्वीट, आप लोग अभी भी याद करते हो। तो ये ट्रिप स्पेशल शायद उन फैंस के लिए हो गया, क्योंकि ब्लॉगिंग हो रही है, पहली बार सोशल मीडिया पे कुछ हलचल हो रही है, तो वो ना एक विजिबिलिटी, आजकल के ज़माने में यही चीज़ है, विजिबिलिटी में दोबारा आ जाते हैं, तो उसके कारण मैं एकदम से जैसे विजिबिलिटी में आ गई हूँ। लेकिन कुछ मेरी तरफ से कुछ स्पेशल नहीं हुआ है। पक्का एक बार जो एक्टर वो हमेशा एक्टर, एक्टिंग की कोई रिटायरमेंट एज नहीं होती। बस ये है कि ज्योग्राफी अब थोड़ी आड़े आ रही है, क्योंकि अब घर बन गया है न्यूयॉर्क न्यू जर्सी, तो सीरियल में कैसे काम करूँ वहाँ रह के। लेकिन अब जो भी सुन रहा है भाई, इफ़ यू आर अ कास्टिंग डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, इफ़ यू हैव एन OTT और इफ एनीथिंग दैट वर्क्स आउट ऑफ कैनेडा, अमेरिका, मैं कल कर लूँ, कोई करने में दिक्कत नहीं है। बस ये है कि बॉम्बे कैसे आऊँ, दैट्स द ओनली प्रॉब्लम। क्या बात है सुनाली, अगर हम बात करें 2013 में, तो अगर आपने तब से स्टार्टअप किया होता अपना सोशल मीडिया वर्क, तो शायद आज का ऑडियंस और क्रेज कुछ रहा होता है, कि शायद रेट रहा था क्या? नहीं नहीं, तब आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सोचो ना, मैंने 9 साल 9-10 साल NDTV में काम किया, फिर 9-10 साल एक्टिंग की, आपने तो ये लास्ट के मेरे 5 साल ज़्यादा मुझे पहचाना है, लेकिन उससे पहले भी 15 साल काम किया। तो जब काम, जब डिसाइड किया कि अब शादी करूँगी एंड चिल करूँगी एंड रिलैक्स करूँगी, तो वो मेंटल फ्रेम में मैं बहुत संतुष्ट थी। तब मुझे था कि दुनिया ट्रैवल करो, आपको क्या, भगवान की ब्लेसिंग है, आप अपने हस्बैंड के साथ इंजॉय करो ज़िंदगी। तो मैं उस मूड में रही, कभी नहीं सोचा कि सोशल मीडिया या वापसी, वो अब भी नहीं सोच रही हूँ। अब भी यही है कि मुझे और कुछ करना नहीं आता। अगर मैं इंजीनियर होती शायद बिल्डिंग बना रही होती, डॉक्टर होती शायद वहाँ क्लिनिक खोलती, लेकिन मैं तो एक्टर एंकर हूँ, तो इसलिए मैं खुद को व्यस्त रखती हूँ। अपना मैंने ब्लॉगिंग शुरू कर दी है और सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे आ गई हूँ, लेकिन ये खुद को व्यस्त रखने का खुद का ही साधन बनाया। वेल ऑनेस्टली कहना पड़ेगा कि हिना और मैं बिल्कुल भी पर्सनली टच पे नहीं है। मेरे लिए बहुत आसान है हिना का नंबर कहीं से लाना और उसको मैसेज करना, लेकिन मुझे लगता है कि इस समय हिना को और उसकी फैमिली को प्रिवेसी देनी चाहिए। ये समय नहीं है कि कहीं से नंबर ला के मैसेज करो कि मैं भी हूँ। मैं व्हेन आई हर्ड द न्यूज़ इट वॉज़ वेरी शॉकिंग एंड बहुत पर्सनल बात है, लेकिन मैंने रिसेंटली अपने पापा को कैंसर से खोया है। तो जिस पे कैंसर होता है उस पे क्या गुजरती है कीमो एंड रेडिएशन, मैंने पापा को देखा है। आसपास के परिवार वालों पे क्या गुजरती है, हम सब ने पापा के साथ सफ़र किया है। तो ये मुझे लगता है समय है सिर्फ उसको और उसकी फैमिली को रिस्पेक्ट देने का और प्राइवेसी देने का। एंड रियली यू नो आई विश हर सो मच स्ट्रेंथ एंड ऑल गुड थिंग्स। जैसे जैसे उसके हर फैन की प्रेयर है, इवन माई प्रेयर्स आर अटैच्ड विद देम, कि परमात्मा उसे स्ट्रेंथ दे, वो इस चीज़ को फाइट कर सके, उसकी फैमिली का सपोर्ट उसके साथ रहे। बिकॉज इट इज़, मैं खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से थोड़ा सा समझ सकती हूँ वॉट दे माइट बी गोइंग थ्रू। ताज़ा ताज़ा शुरू किया है, नाम है सोनाली वर्मा हार्ट एंड सोल। तो हार्ट एंड सोल डिस्क्रिप्शन यही है, तो जो मेरे दिल में है और जो थोड़ी बहुत आत्मा परमात्मा की बातें हम कर लेते हैं वो भी ज़रूरी है। तो दैट्स व्हाट आई लाइक टू शेयर। डेली लाइफ में ना बहुत सिंपल लाइफ है, क्योंकि एक बच्चा है, एक हस्बैंड है, एक मैं हूँ, तो डेली लाइफ की इतनी हलचल नहीं है। लेकिन जो भी मेरे ज़िंदगी में आ रहा है मैं सब कुछ शेयर करती हूँ। अब रिसेंटली आपको बताऊँ, मैंने बहुत बड़ी अचीवमेंट खुद के लिए करी है कि मैं कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी करके आई हूँ। तो वो जो पूरी यात्रा है, चाहे मेरी तबीयत ख़राब हो, उसमें मैं ये ध्यान नहीं देती कि वो आई एम एक्टर, मेकअप, ऐसा नहीं। हार्ट एंड सोल जो मेरे दिल में है, जो मेरी आत्मा एक्सपीरियंस कर रही है, वो मैं शेयर कर देती हूँ। तो चाहे मेरी तबीयत ख़राब है, चाहे मैं चल पा रही हूँ, कैलाश कैसा रहा, मानसरोवर कैसा रहा, आजकल मैं ये डाल रही हूँ। तो व्हाटएवर इज़ हैपनिंग इन माय लाइफ आई वांट टू शेयर, दैट्स इट। थैंक यू मैम।
यू।